ऐसे तो कार्टोसैट 3 की इमेजिंग कैपेसिटी रिजोल्यूशन की 25 सेंटीमीटर की है, लेकिन 1 मीटर के कम के रिजोल्यूशन की इमेजेस देखने के लिए आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो गवर्नमेंट के पास ही होगी। तो कार्टोसैट 3 जैसे जो हैं सैटेलाइट्स हमारे, इनका यूज़ किया जाता है सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह में भी। ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए मैं आ गया हूँ आपके पास लेकर यूपीएससी पीएससी कॉरिडोर पे, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी PT 365 का 6th लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग कार्टोसैट से शुरुआत करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और मैंने ये देखा कि बहुत लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया, तो प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम रेगुलर हर 1-2 घंटे में वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बड़ा सा है 75 पेज का, तो हम चाहते हैं कि आपके उसके ढेर सारे वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाएँ और आप जल्दी से जल्दी फिनिश कर पाएँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और प्लीज़ बेल आइकन तो बिल्कुल ही प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स आती रहें। 27 नवंबर 2019 को इसरो ने कार्टोसैट 3 जो है वो लॉन्च किया अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो इसमें हमें क्या क्या जानना है ये देखिए, हमने जब कार्टोसैट 3 जो लॉन्च किया तो उसके साथ हमने 13 कमर्शियल नैनो सेटेलाइट्स भी भेजे बाहर की कंट्री के, बल्कि सारे जो हैं वो यूएसए के ही थे। 13 सेटेलाइट हमने भेजे। नैनो सेटेलाइट क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरा कि ये सारे क्यूब सेटेलाइट भी थे, तो ये नैनो सेटेलाइट भी थे, क्यूब सेटेलाइट भी थे, मैं दोनों आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो एक तो हमने इस जो था कार्टोसैट 3, उसमें एक तो हमने अपना सेटेलाइट कार्टोसैट 3 भेजा ही, साथ में 13 कमर्शियल नैनो सेटेलाइट्स हमने यूएसए के भेजे, और वो सारे नैनो सेटेलाइट या क्यूब सेटेलाइट थे। नैनो सेटेलाइट वो सेटेलाइट होते हैं जिनकी की कैपेबिलिटी होती है कैरी करने की 3 kg से पेलोड से लेके टोटल सेटेलाइट मास ऑफ 11 kg। एक छोटे से मास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा सिस्टम ये है जो कंप्रेस करके डाल दिया जाता है, और ये काफ़ी एफिशिएंट होता है क्योंकि वेट कम होती है, तो इसको हमें ऊपर डालने के लिए हमें जो है एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ती है, और जो हमारे जो लॉन्च व्हीकल हैं वो भी सस्ते में काम कर लेते हैं। तो नैनो सेटेलाइट तो आपने देख लिया क्या होता है, और स्मॉल सेटेलाइट क्या होता है, कोई भी ऐसा सेटेलाइट जिसका जो मास है 500 kg से कम हो तो उसको हम लोग स्मॉल सेटेलाइट बोलते हैं। ओवरऑल क्लासिफिकेशन देखें तो लार्ज सेटेलाइट का मास 1000 kg से ज़्यादा होता है, मीडियम सेटेलाइट 500 to 1000 kg होते हैं, मिनी सेटेलाइट 100 to 500 kg होते हैं, और जो माइक्रो सेटेलाइट होते हैं वो 10 to 100 kg होते हैं, और जो नैनो सेटेलाइट होते हैं वो 1 to 10 kg होते हैं। फिर पीको और फेमटो सेटेलाइट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये बहुत छोटे होंगे, मुझे लगता है काफ़ी क्यूट भी होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये साथ में हमने जो 13 नैनो सेटेलाइट भेजे थे वो क्यूब सेटेलाइट भी थे। तो क्यूब सेटेलाइट देखिए कुछ ऐसा दिखता है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है, और 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर के मल्टीपल में क्यूबिकल यूनिट में बनाया जाता है। तो एक मिनिएचराइज सेटेलाइट होता है स्पेस रिसर्च के लिए, मल्टीपल में होता है 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर के यूनिट में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो है 1000 सेंटीमीटर क्यों ही होगा, उसके मल्टीपल में हो सकता है, हर जगह क्यूबिकल सिस्टम होता है। और इनका जो मास होता है वो 1.33 किलोग्राम से एक पार्टिकुलर यूनिट का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जनरली कमर्शियल यूजेस के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको हमें भेजने के लिए काफ़ी हैवी लॉन्चर की जरूरत नहीं पड़ती। ये रिसेंटली ये सब फेनोमेना आया है, जो नैनो सेटेलाइट है उसका कॉन्सेप्ट तो अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, लाइक 2013-14 में, और तब से बहुत सारे लॉन्च हो चुके हैं पहले ही। अब जो कार्टोसैट के बारे में ये देख ही लीजिए इन्फोग्राफिक, ये एक 3rd जनरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है। इसके पहले हमारे 1st और 2nd जनरेशन के अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट थे, IRS सिस्टम जानते हैं ना, इंडियन रिमोट सेंसिंग, उसी को हम रिप्लेस कर रहे हैं कार्टोसैट के थ्रू। तो ये हमारा 3rd जनरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, इसे हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटी होगी, कितनी होगी 25 सेंटीमीटर होगी। अगर जो पिछला वाला कार्टोसैट भी देखेंगे तो उसकी इमेजिंग रिजोल्यूशन कैपेसिटी 65 सेंटीमीटर थी, अब तो 25 सेंटीमीटर होगी। और सेटेलाइट हमारे अर्थ से ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर दूर होता है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फीचर्स क्या देखिए इसके, जनरली जो फीचर्स हैं कॉमन पब्लिक के लिए वो स्केल, वो अर्बन प्लानिंग के लिए, रूरल रिसोर्सेज देखने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, और कोस्टल लैंड यूज एंड लैंड कवर के लिए। इसके अलावा कुछ इसके स्ट्रैटेजिक मिलिट्री यूजेस भी होंगे बहुत हाई रेजोल्यूशन के लिए, तो वो आपको नहीं बताया जाएगा, वो छुपा के रखा जाएगा। ओवरऑल मास इसका 1625 kg था, और मिशन की जो लाइफ है 5 ईयर्स मानी जा रही है, तो 2024 तक चलेगा। और जो भी इमेजेस 1 मीटर से कम के रिजोल्यूशन की होंगी, हाई रिजोल्यूशन की होंगी, मतलब वो खाली गवर्नमेंट के पास होगा, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ही यूज़ कर सकती। कुछ ऐसा दिखता था असेंबली कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें फिर लगाई गई थी। तो 13 इसमें तो हमने अलग से सेटेलाइट लगाते, वो माइक्रो सॉरी नैनो सेटेलाइट या क्यूब सेटेलाइट, बाकी हमारा एक अपना जो था वो कार्टोसैट 3 था। इसके लिए जब हमने लॉन्च व्हीकल यूज़ किया था, हमने PSLV C-47 यूज़ किया था। मैंने आपको पहले बताया था कि PSLV में 4 स्टेजेज होते हैं, सॉलिड लिक्विड ऐसे करके अल्टरनेटिंग, और इसमें 6 स्ट्रैपॉन मोटर्स थे। ये देखिए मैंने आपको स्ट्रैपॉन ड्रॉ करके बताया था, यही 6 स्ट्रैपॉन मोटर्स हैं। सतीश धवन से हमने इसको लॉन्च किया था, और ये PSLV का XL वेरिएंट होता है, उसका 21st फ्लाइट था, और ओवरऑल PSLV का जो है ये 49th फ्लाइट था, है ना,
49 फ्लाइट था, लेकिन फ्लाइट था लेकिन हम बोलते हैं 47 क्योंकि इसमें कुछ फेल हो गया होगा। कार्टोसैट 3 क्या है? ऑब्वियसली ये एक थर्ड जनरेशन एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, हाई रिजोल्यूशन की इमेजेस देता है, अर्बन प्लानिंग, रूरल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल एंड लैंड यूज़ वगैरह के लिए। 1625 के जी मैंने आपको बता दिया है। जो एल्टीट्यूड जो जाएगा ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर, मैंने आपको बताया था 509 किलोमीटर, और 5 साल का इसका होगा ये लाइफ होगा। और इसके को पैसेंजर क्या थे? 13 यूएस के कमर्शियल सेटेलाइट से, नैनो सेटेलाइट से वो कार्टोसैट के साथ लॉन्च किए गए थे सक्सेसफुली सारे। कार्टोसैट 3 को हमने सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में डाला है। देखिए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट एक ही चीज़ है, नियरली जो एक की है पोलर ऑर्बिट होता है अर्थ के चारों अराउंड, ये पोल के अराउंड ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। इसमें सैटेलाइट करता है क्या है, ज़रूरत क्या है कि सन का जो एक टाइम होता है, जैसे आपके 2 PM में गर्मी होती है ना, इतनी लाइट होती है, सन का जो टाइम होता है उसके सिंक्रोनी में चलता है, तो इससे इल्यूमिनेशन सही रहता है। आपको हर एक ही टाइम पे आपको डेटा मिलती है कि आज पार्टिकुलर दिन के 2 बजे इंडिया में ऐसा दिख रहा था, इसीलिए इसको ना कार्टोग्राफी में यूज़ करते हैं। कार्टोग्राफी मतलब मैपिंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि सेटेलाइट पासेज ओवर एनी गिवन पॉइंट ऑफ प्लैनेट सरफेस सेम लोकल मीन सोलर टाइम, ठीक है, सेम लोकल जो अपना सोलर टाइम होता है सन के हिसाब से उसी टाइम पे पास करता है। टेक्निकली ये कह सकते हैं कि ऑर्बिट ऐसा अरेंज होता है कि इट प्रोसेस पासेस प्रोसेसेस प्रीसीसेस थ्रू वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ईच ईयर, ओके, सो इट ऑलवेज मेंटेन्स द सेम रिलेशनशिप विद सन। सन के सिंक्रोनी में होती है अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए, इसी को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं। ये जो है नियरली पोलर होती है ये ऑर्बिट। तो आ जाइए विजन के अंदर कार्टोसैट 3 के बारे में जानते हैं कि ये हमारा एक थर्ड जनरेशन एडवांस सेटेलाइट हैविंग हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटी, कॉपी पेस्ट ऑब्वियसली। मिशन का जो लाइफ है 3 to 5 years है, आपको 5 years याद रखना है। हाँ, उम्मीद ज़्यादा करेंगे, है ना। फिर है कि एक बात कि ये ऐसा नहीं कि कार्टोसैट 3 भेज के हम लोग, कार्टोसैट 3 ही है ना, हाँ कार्टोसैट 3 भेज के रुक जाएंगे। इस सीरीज़ में हमें और भी कुछ सेटेलाइट भेजने हैं बाद में, और भी अच्छी कार्टोग्राफी हो सके, तो हम क्या भेजेंगे, कार्टोसैट 3A और 3B नेक्स्ट ईयर हम लोग 2020 में, मतलब क्योंकि ये न्यूज़ आई थी 27 नवंबर 2019 में लॉन्च की, तो अब हम 2020 में कार्टोसैट 3A और 3B भेज देंगे। ऑर्बिट जो होगा वो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट होगा, SSPO शॉर्ट में बोल लेते हैं, 509 किलोमीटर का, राइट। सो विजन ट्राइज टू एक्सप्लेन की SSPO सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स आर पोलर ऑर्बिट्स विच आर सिंक्रोनस विद द सन, दैट इज इन दिस ऑर्बिट्स अर्थ सर्फेस इज ऑलवेज इल्यूमिनेटेड बाय द सन एट द सेम एंगल। सेम एंगल पे होगा तभी तो आपका जो सोलर मीन टाइम होगा सेम होगा। जब सैटेलाइट से देखो तब की बात हो रही है। जो लॉन्च व्हीकल यूज़ किया था आपने PSLV C-47 यूज़ किया था, और इसमें जो आपने नेविगेशन सिस्टम यूज़ की थी फर्स्ट टाइम, आपने इंडिया का खुद का बना हुआ विक्रम प्रोसेसर यूज़ किया था जो कि इसरो ने बनाया है और उसको फैब्रिकेट भी इंडिया में ही किया है। विक्रम प्रोसेसर क्या है? विक्रम प्रोसेसर इज़ टू बी यूज फॉर रॉकेट्स नेविगेशन। रॉकेट जो गया इसमें उसके नेविगेशन के लिए, PSLV C-47 के गाइडेंस के लिए, कंट्रोल के लिए, और एक जनरल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए ये जो था विक्रम प्रोसेसर यूज हुआ था, इंडिजिनस है याद रखना। एप्लीकेशन क्या है देखिए, लार्ज अर्बन प्लानिंग, रूरल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोस्टल लैंड यूज, मैंने आपको बता दिया लैंड कवर के लिए। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के सपोर्ट प्रोग्राम, जैसे कि साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, मैपिंग मॉनिटरिंग करनी है, लैंडस्लाइड हो गया उनकी मैपिंग मॉनिटरिंग करनी है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट आ गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, इन सब के लिए ऑब्वियसली आप कार्टोग्राफी यूज़ कर सकते हो, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी उसको यूज़ कर सकते हो। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपको बताएंगे यानी कि मिलिट्री के रिकॉग्नाइजेंस एंड मैपिंग में भी इसका यूज़ करेंगे ताकि एनिमी कंट्री को हम लोग देख सकें। कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि कार्टोसैट सेटेलाइट का पास्ट देख लीजिए क्या है। कार्टोसैट सेटेलाइट देखिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है जो इंडिया का IRS का सेटेलाइट जो सीरीज था उसको रिप्लेस करेंगे, और ये मेनली लार्ज स्केल मैपिंग करते हैं अर्थ की, पूरे अर्थ की करेंगे, हाई रिजोल्यूशन इनमें कैमराज लगे होते हैं। अभी वाले का रिजोल्यूशन कितना बताया मैंने आपको, 25 सेंटीमीटर, और पिछला कार्टोसैट का कितना था, 75 सेंटीमीटर। दे हेल्प टू डिटेक्ट 65 था प्रोबेबली, लेकिन अभी याद रख लीजिए 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर से कम आप नहीं ले सकते, गवर्नमेंट रखेगी। दे हेल्प टू डिटेक्ट चेंजेज इन नेचुरल ज्योग्राफिकल और मैनमेड फीचर्स। एक नेचुरल ज्योग्राफिकल फीचर में भी कभी चेंज हो सकता है, जैसे साइक्लोन आ गया, मैनमेड भी हो सकता है, किसी ने कुछ खराब कर दिया, वो सब देखना है। कार्टोसैट सीरीज में सबसे पहला कार्टोसैट 1 जो लॉन्च हुआ था वो 2005 में कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम पे लॉन्च हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इन ऑर्बिट स्टीरियो इमेजेस। IRS सिस्टम जो था वो आपको इन ऑर्बिट स्टीरियो इमेजेस, मतलब दोनों साइड से बैलेंस करके नहीं देता था। कार्टोसैट 1 ने आपको शुरू किया इन ऑर्बिट स्टीरियो इमेजेस, ये 2005 में हुआ। फिर आया कार्टोसैट 2 जो कि लॉन्च किया गया 2007 में। इसकी इमेजिंग कैपेसिटी जो थी, रिजोल्यूशन जो थी, 1 मीटर थी, ठीक है, 1 मीटर थी। इट वॉज फॉलोड बाई 6 मोर स्पेस क्राफ्ट जो आए थे, 6 मोर आए, हमने 2 में ही लगा दिए। कैसे लगा दिए? 2 ABCDEF, ABCDEF, तो 6 यहाँ हमने लॉन्च कर दिए। तो ओवरऑल क्या बोल रहे हैं, 8 हमने अभी तक लॉन्च कर दिए हैं। और जो 2A और 2F है वो आपको बताया नहीं, वो मिलिट्री के रिकॉनेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अदर सैटेलाइट्स लॉन्च अलॉन्ग कार्टोसैट 3, कार्टोसैट 3 में हमने PSLV C-47 में और क्या डाला था,
यूएसए के हम लोग नो 13 हम लोगों ने कमर्शियल नैनो सेटेलाइट इसमें डाले थे और उनको अपने अपने ऑर्बिट में हमने इंजेक्ट कर दिया। जो 13 नैनो सेटेलाइट या क्यूब सेट जो आए थे यूएसए के, उसमें से 12 तो थे सुपरडोव अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। सुपरडोव जो है यूएसए का कंपनी वगैरह का होगा, ये भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट ही हैं और उनका नाम जनरली क्या रखा है, फ्लॉक 4P। और एक कम्युनिकेशन का सेटेलाइट था टेस्ट बेड करने के लिए, वो था मेश बेड। तो 12 प्लस 1 13, एक कम्युनिकेशन का और बाकी सारे कौन से थे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट थे। जो 12 थे उनका नाम था फ्लॉक 4P, इनको सुपरडोव अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट बोलते हैं, और जो कम्युनिकेशन वाला था उसको मेश बेड बोलते हैं। दिस सेटेलाइट्स वर लॉन्च अंडर कमर्शियल अरेंजमेंट। ये किस अरेंजमेंट से लॉन्च हुआ, क्योंकि हम बाहर की कंट्री का लॉन्च कर रहे हैं तो हमारे कमर्शियल अरेंजमेंट होना चाहिए ना। अभी अभी रिसेंटली जो है इसरो ने इस्टेब्लिश किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। जैसे इसरो की एक कमर्शियल आर्म क्या थी आपको मैंने बताई थी, अंतरिक्ष, उसी तरह एक नई बनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कमर्शियल अरेंजमेंट था, उसके थ्रू हमने ये सारे जो मेश बेड वगैरह और फ्लॉक 4P जो है लॉन्च किए हैं। अब ये मैं आपको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि आगे ऑलरेडी कवर कर रहा है विजन। तो जब मैं आपको पहले PSLV C-47 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि वो PSLV का जो था 49th लॉन्च था, दो बीच में फेल हुए होंगे शायद, तो ऐसे तो C-47 नाम दे रहे हैं लेकिन लॉन्च जो था वो 49th था। तो उसके बाद इसरो ने क्या किया, थोड़े दिनों बाद ही दिसंबर 2019 में RISAT-2B-R1 सैटेलाइट को PSLV से ही लॉन्च किया। तो इस तरह से ये जो RI या रिसात, चलिए हम यही बोलेंगे, रिसात बोलते हैं ना, अपनी मर्जी है, RISAT-2B-R1 को इसरो ने अपना जो लॉन्च किया वो किया था PSLV C-48 से, और ये जो हुआ इसरो का गोल्डन जुबली लॉन्च हो गया क्योंकि 50th नंबर का लॉन्च था इसरो का। देखिए रिसात क्या है, एक रडार इमेजिंग सेटेलाइट है, इसीलिए रडार इमेजिंग सेटेलाइट रिसात नाम दिया गया है 2B-R1। और इसमें इसके अलावा RISAT-2B-R1 के अलावा 9 अदर कस्टमर सेटेलाइट्स भी हमने, कमर्शियल सेटेलाइट भी भेजे थे अपने अपने ऑर्बिट में हमने, और श्रीहरिकोटा से इसको भेजा था। पहले विकिपीडिया से डिटेलिंग कर लेते हैं। RISAT-2B-R1 जो है एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ये एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है। और ये किस सीरीज का रडार है, RISAT-2B-R1 जो है इसके पीछे हमारा RISAT-2B आया था, उसमें एक्स बैंड का सिंथेटिक अपर्चर रडार था, फाइन। और आपको ये जानने की जरूरत है कि इसका वेट जो था 628 kg था और इसको ऑर्बिट में डाला है 557 किलोमीटर। तो ये भी सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में जाएगा पिछले वाले की तरह, पिछले वाले मतलब क्या, कार्टोसेट 3 की तरह। और इसका जो लाइफ होगा 5 साल होगा। देखिए जो RISAT-2B-R1 में सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ये आप समझ गए, सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग सेटेलाइट है, सॉरी SAR इमेजिंग सेटेलाइट है। और ये रिसात प्रोग्राम जो इंडिया का उसका पार्ट है, और इस पूरे सीरीज में रिसात सीरीज में ये 4th सेटेलाइट है। RISAT-2B-R1 जो था वो, ये जो हम पढ़े RISAT-2B-R1, ये 11 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर PSLV C-48 से श्रीहरिकोटा से, और 50th सेटेलाइट लॉन्च था, इसीलिए हम इसको बोलते हैं गोल्डन जुबली। और 75th लॉन्च था, सतीश धवन से देखेंगे तो 75th लॉन्च था, और अगर PSLV से काउंट करेंगे तो 50th लॉन्च था। तो बड़ी अच्छी बात है ये। RISAT-2B-R1 के पहले RISAT-2B मैंने आपको बता दिया था, वो आया था पहले। अलग से आपको रिसात के बारे में बता दूं तो रडार इमेजिंग सेटेलाइट जो है इंडिया का एक सीरीज है सेटेलाइट का, रेकोनाइसेंस के लिए, ठीक है, मिलिट्री यूजेज के लिए इसरो ने डेवलप किया है। इसको ऑल वेदर एनी कंडीशन आपको सिंथेटिक अपर्चर रडार से आपको इन्फॉर्मेशन जो है सर्वेलेंस की मिलती रहेगी। ऑल वेदर वगैरह तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, ये आपने जान लिया। प्रीवियस इंडियन ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट्स रिलाइड प्राइमरली ऑन ऑप्टिकल, पहले जो थे वो ऑप्टिकल और स्पेक्ट्रल सेंसर पे थे। क्लाउड कवर जब होता था तो ठीक से रीडिंग नहीं होती थी। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार आपको ऑल वेदर कंडीशन देगा, ये सर्वेलेंस देगा। हुआ क्या था, नवंबर 26, 2008 को जब मुंबई अटैक हुआ था तो उस टाइम पे हमने अपने लॉन्च प्लान को मॉडिफाई करके RISAT-2 को डाला था RISAT-1 के पहले RISAT-2 को डाल दिया था, क्योंकि हमें बहुत वल्नरेबिलिटी लगी थी, क्योंकि जो हमारा इंडिजिनस सी बैंड SAR है सिंथेटिक अपर्चर, मैंने आपको सी बैंड वगैरह बता दिया है, वो RISAT-1 में जो यूज़ करना था वो रेडी नहीं था। तो RISAT-2 को ही हमने लॉन्च कर दिया, और इसके लिए हमने इसराइल का एरोस्पेस इंडस्ट्री का एक्स बैंड SAR का सेंसर लिया था। तो हमने इसराइल से मदद ली थी RISAT-2 में। अब उसी में RISAT-2B-1-R1 वगैरह आगे। तो देखिए वहाँ पे यही बता रहे हैं कि RISAT-2B-R1 जो है, इसके पहले RISAT-2B आया था, ये हमारा सेकेंड रडार इमेजिंग सेटेलाइट है, SAR है, और एलॉन्ग विथ कार्टोसैट 3 के साथ जब आप इसको मिक्स करके देखोगे तो ये इंडिया का ओवरऑल इमेजिंग कैपेबिलिटी को काफ़ी स्पेस से बूस्ट कर देगा। RISAT-2B-R1 का एक जो रिजोल्यूशन है बहुत पावरफुल है, और रिजोल्यूशन कितना है, 35 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। आपको कार्टोसेट का कितना बताया मैंने, 25 सेंटीमीटर, RISAT-2B-R1 का भी अच्छा है, 35 सेंटीमीटर है, और जो है ये 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में आपको रिजोल्यूशन दे देगा। रिसात सेटेलाइट्स आर इक्विप्ड विथ ए सिंथेटिक अपर्चर रडार, वही बात रिपीट हो रही है, दैट कैन टेक पिक्चर्स ऑफ द डे,
अर्थ ड्यूरिंग डे एंड नाइट एनी टाइम क्लाउडी कंडीशन में भी। द सेटेलाइट विल हेल्प इन, इसके अलावा सेटेलाइट मिलिट्री के अलावा आपको एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, कोस्टल मैनेजमेंट, सॉइल मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी मदद करेगा। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टू पिछला वाला ओनली, ऑलमोस्ट सिमिलर टू कार्टोसेट 3 ओनली। राउंड द क्लॉक आपको सर्वेलेंस देगी, क्रॉस बॉर्डर भी। ओके, द सेटेलाइट हैज मिशन लाइफ 5 ईयर, अगेन सेम टू कार्टोसेट 3 ओनली। इन द पास्ट डिकेड इसरो हैज लॉन्च 2 सेटेलाइट्स इन द रिसैट सीरीज बिगिनिंग इन 2009। मुंबई अटैक के बाद हमने रिसैट में इसराइल का बिल्ट रिसैट 2 डाला था। मैंने आपको बता दिया ना, रिसैट 1 रेडी नहीं था, है ना, तो इसलिए हमने रिसैट 2 लॉन्च किया था। एंड द सेकेंड, उसके बाद हमने रिसैट 1 लॉन्च किया 2012 में, और वो जो है अब ऑपरेशनल नहीं है, डिफंक्ट हो चुका है, तो हमने रिसैट 2 भी R1 अब भेजा है। रिसैट 2 जो है एक मिलिट्री का सेटेलाइट है जनरली, विच वॉज फास्ट ट्रैक्ड आफ्टर द मुंबई टेररिस्ट अटैक, में आपको बता दिया है, सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद के लिए। अब चले आते हैं जो मैंने आपको बताया था इसरो ने क्या बनाया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना इनॉग्रेशन किया है एक कमर्शियल आर्म का, जिसको उन्होंने बोला है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL मैं शॉर्ट में बोलूंगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो ने बनाया, उनका कमर्शियल आर्म है अंतरिक्ष की तरह, और ये बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इसका पर्पस क्या है, ये हमने इसलिए बनाया है NSIL कि कमर्शियली यूटिलाइज करें इसरो के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को, प्राइवेट जो हैं उन सेवाएं दे पाए इसरो, और उससे पैसा मिले हमें, फॉरेन एक्सचेंज से रेवेन्यू मिले। और इसके लिए इसरो ने अपना एक ऑथोराइज शेयर कैपिटल 100 करोड़ का दिया है, और इनिशियल पेडअप कैपिटल जो है वो 10 करोड़ का है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है NSIL की, टू स्केल अप इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इट विल एक्ट एज एन एग्रीगेटर फॉर ऑल स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडस्ट्री एंड डेवलप प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप इन स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। अब कोई प्राइवेट कंपनी को स्पेस में काम करना है, प्राइवेट कंपनी खोलनी है, तो ये सारे अलग अलग प्राइवेट कंपनी जो खुलेंगी उनका एक एग्रीगेटर सेंटर बनेगा, हब बनेगा इसरो, और उनको मदद देगा कि अच्छा आप ये काम करो, IC डेवलप करो, फैब्रिकेट करो, सेटेलाइट बनाओ, है ना। तो इससे हमारे कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो स्पेस का जो है रिसर्च और स्पेस का जो प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV भी प्राइवेट वाले बना सकते हैं, किसके थ्रू, हमारे NSIL के साथ, और पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म, उनको हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और वो फिर हमारे लिए प्रोड्यूस करके देंगे, उनको भी फायदा होगा, हमारा भी काम जो है थोड़ा डेलीगेट होगा। SSLV PSLV मैंने आपको समझा दिया है, हॉरिजॉन्टल याद है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फैब्रिकेटिंग, केटर टू इमर्जिंग ग्लोबल कमर्शियल SSLV मार्केट। ग्लोबली कई कंट्री जो अफ्रीकन वगैरह हैं, कि उनको SSLV चाहिए होगा, वो बड़े पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल लेके क्या करेंगे, तो हम उनको SSLV बना के दे देंगे और सेटेलाइट बेस्ड उनको सर्विसेज भी देंगे, सप्लाई ऑफ सब सिस्टम मतलब ओवरऑल सिस्टम का पार्ट जो होता है ना वो देने की बात हो रही है, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एप्लीकेशन में भी। कल को इंडिया में मोबाइल कंपनी आ गई, उसको चाहिए कि हम अपना एक अलग से सेटेलाइट भेजें, उससे भी पैसे कमा लें, बाहर की कंपनी उससे भी पैसे कमा लें। तो आपने NSIL तो पढ़ लिया, लेकिन आपको ये पता होगा कि अंतरिक्ष भी इसरो का कमर्शियल आर्म है, तो अंतरिक्ष इज ऑल्सो कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो हेडक्वार्टर इन बैंगलोर। और ये क्या है, कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस, हाँ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। इट जो अंतरिक्ष की बात करें तो ये भी बैंगलोर में हेडक्वार्टर है। इट प्रमोट्स एंड कमर्शियली मार्केट्स द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एमिनेटिंग फ्रॉम द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, कब आया था, कैसे आया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर 2008 में क्या हुआ था, कंपनी वाज अवार्डेड मिनी रत्ना स्टेटस, जो अंतरिक्ष है उसको हमने मिनी रत्ना स्टेटस दे दिया है। अब जो है हम इसरो के कुछ अदर मिशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है आदित्य L1 मिशन। इसके पहले कि मैं आपको आदित्य L1 मिशन बताऊं, सबसे पहले मैं आपको लैग्रेंजियन पॉइंट बताऊंगा होता क्या है। सेलेशियल मैकेनिक्स में लैग्रेंजियन पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं, या एल पॉइंट भी बोलते हैं, या लाइब्रेशन पॉइंट बोलते हैं, एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं दो लार्ज जो हमारे स्पेशल बॉडीज हैं, मान लो जैसे सन और अर्थ हो गए, दो लार्ज बॉडीज हैं, उनके अराउंड ऑर्बिट में ऐसी पोजिशन जहाँ पर कोई अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई छोटा सा सेटेलाइट है, तो वो अपना जो रिलेटिव पोजिशन है इन दोनों लार्ज बॉडीज़ के रिस्पेक्ट में वो मेंटेन करके रखेगा। अगर किसी और लोकेशन पे आप उस स्मॉल ऑब्जेक्ट को डाल दोगे तो एक अपना वो ऑर्बिट में चला जाएगा अराउंड वन ऑफ द लार्जर बॉडी। जैसे कि अगर आप उसको थोड़ा हिला दो तो या तो वो सन की तरफ हिला दो तो वो सन की रिवॉल्यूशन करने लगेगा ऑर्बिट में, या फिर अर्थ की तरफ कर दो तो अर्थ के रिवॉल्यूशन करने लगेगा। तो नॉन स्टेबल पॉइंट है, थोड़ा सा भी अगर आपने इधर उधर रिमूव किया तो स्टेबिलिटी उसकी खराब हो जाएगी। तो इसको ही बोलते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट्स, है ना, रिलेटिव पोजिशन मेंटेन करना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है मेंटेन होता है। देखिए एनिमेशन में विकिपीडिया ने ऐसा बताया है, ये जो आप देख रहे हो ये एक येलो वाला लार्ज बॉडी है, और एक यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा होगा उसको मान लो कि लार्ज बॉडी, ये मान लो सन है, ये मान लो अर्थ है ब्लू वाला, और ये बाद में जो सारे आप ग्रीन वाले देख रहे हो 1, 2, 3, 4 ये सारे लैग्रेंजियन पॉइंट्स है, ठीक है। अगर आप इनको देखोगे तो ऐसे आराम से स्टेबल हैं, लेकिन अगर जैसे ग्रीन वाले को यहाँ पे आप थोड़ा सा सन की तरफ कर दोगे तो वो सन का रिवॉल्यूशन कर लेगा, अर्थ को भूल जाएगा। तो यही जो नॉन स्टेबल पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं या एल पॉइंट्स बोलते हैं। इसके L1, L2, L3, 4 ऐसे बनते हैं अलग अलग पोजीशन। तो चलिए ये आप
आदित्य L1 मिशन में, कि जो कि इसरो का एक अदर इम्पॉर्टेंट मिशन है। आदित्य L1 मिशन जो है इसरो का इम्पॉर्टेंट मिशन इसलिए है क्योंकि ये कोई इसरो का पहला फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन है स्टडी करने के लिए सन की, ठीक है, सन के स्टडी करने के लिए। ये 2021 में लॉन्च करने का प्लान किया गया है। ये क्या करेगा, सन का जो सोलर कोरोना होता है, आउटर सरफेस जो उसका एटमोसफेयर होता है, उसकी स्टडी करेगा। इसकी मैंने आपको डिटेलिंग बता दी सन के एटमोसफेयर की, है ना। स्पेस क्राफ्ट जो है एक हेलो ऑर्बिट में, सन के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट, मतलब क्या होता है, हेलो मतलब लाइट वाली चीज़, एक ऑर्बिट में सन के अराउंड L1 पॉइंट पे डाला जाएगा। सन अर्थ का जो लैग्रेंजियन पॉइंट बनता है, सन और अर्थ जो लार्ज बॉडीज हैं इनके बीच में अगर लैग्रेंजियन पॉइंट बनेगा तो उसमें एक L1 पॉइंट बनती है, जो कि लैग्रेंजियन पॉइंट L1 बनती है जो कि अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, वहाँ भेजेंगे हम लोग। इसका वेट जो है 400 kg का है और लॉन्च करेंगे इसको PSLV से, ये आप याद रख लीजिए। इसमें 7 पेलोड्स होंगे बोर्ड पे और उसका स्टडी क्या क्या करेंगे, ये सन के कोरोना का, एमिशन का, सोलर विंड का, फ्लेयर्स का और कोरोनल मास इजेक्शन, उसमें कई बार बहुत पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टडी करना, और राउंड द क्लॉक वो जो सन की इमेजिंग करेंगे किसके थ्रू, 7 पेलोड्स के थ्रू। कौन करेगा, आदित्य L1 मिशन। L1 नाम इसलिए क्यों दिया है, क्योंकि ये जो है लैग्रेंजियन पॉइंट L1 में जाएगा अर्थ और सन के बीच में। आदित्य क्यों बोला है, क्योंकि सन का जो हिंदी मीनिंग है वो आदित्य होता है। अब चले आइए एस्ट्रोसैट पे। देखिए एस्ट्रोसैट क्या है, मैं ये बता रहा हूँ। 2015 में हमने इसको लॉन्च किया था और सितंबर 2019 में इसने कितने पूरे कर लिए हैं साल, हमारे 4 साल ऑर्बिट में पूरे कर लिए हैं। एस्ट्रोसैट जो है इंडिया का फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जिसको हमने 2015 में लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, मतलब इसरो ने गवर्नमेंट के दौरान। 4 साल हो गए इसको, है ना। ये करता क्या है, एस्ट्रोसैट आपको इनेबल करता है साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन को। और क्या ऑब्जर्व करेंगे हम इसमें, वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व करेंगे एक सिंगल सैटेलाइट से, साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन। ये फर्स्ट है हमारा इस तरह का। इसको बोलते हैं कि नासा का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है ना, उसी का एक मिनिएचर वर्जन, इसी का एक स्मॉलर वर्जन है। तो पहले मैं आपको हबल टेलीस्कोप बताऊँगा, और उसके पहले ये बता दूँ कि इसमें 5 पेलोड हैं। एक तो है अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, UVIT। आपको बताया ना मल्टी वेवलेंथ इमेजिंग करनी है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी करनी है, तो उसके लिए अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप UVIT है। लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर LAX-PC है। सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप SXT, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर है CZTI। और लास्ट में एक स्कैनिंग स्काई मॉनिटर है SSM। तो यहाँ पे आपने टर्म सुना है कि ये थोड़ा स्मॉलर वर्जन है नासा के हबल टेलीस्कोप का। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप क्या है, देखिए हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो नासा ने लॉन्च किया था कब, लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया था, ये जान लीजिए, और 1990 में किया था और अभी तक ये ऑपरेशन में है। तो ये बहुत वर्सेटाइल है, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप है लेकिन बहुत वर्सेटाइल है। द हबल टेलीस्कोप इज नेम्ड आफ्टर एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल एंड वन ऑफ नासाज ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज। मैं बाकी ऑब्जर्वेटरीज क्यों बता रहा हूँ वन ऑफ द बोल के, क्योंकि बाकी जो है उसमें एक कॉम्पटन गामा एक ये रे ऑब्जर्वेटरी है, एक है चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। आपके चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी आपके किसके नाम पे है, आप ये गेस करो, आपको पता ही होगा शायद। और लास्ट वाला स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। लेकिन इसका जो सक्सेसर होगा उसको बोलते हैं नासा का, जो इसका हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर होगा वो होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप, है ना। जेम्स वेब टेलीस्कोप इज़ प्लान टू बी द सक्सेसर ऑफ हबल टेलीस्कोप। और ये कब जाएगा, मिशन ड्यूरेशन 5 ईयर है इसका। और ये जाएगा, इसकी भी जो लॉन्चिंग साइट होगी फ्रेंच गुयाना का, वो एरियन स्पेस से लॉन्च करेंगे, कोराउ से, है ना। और इसको मार्च 2021 में सेट शेड्यूल किया गया है। मैंने अभी आपको जब अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट पढ़ा रहा था तो आपको मैं बता रहा था सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, है ना, रिसैट हो गया और कार्टोसैट हो गया। अब ये देखिए इंडिया ने अभी अभी रिसेंटली प्लान किया है कि हम एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट डालेंगे, उसका नाम रखा है इन्होंने जियो इमेजिंग। जियो मतलब अर्थ हो गया, तो जियो इमेजिंग सेटेलाइट GSAT बोलेंगे, GISAT-1। ये इस सीरीज का पहला होगा। इट इज़ प्लान्ड इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट टू फैसिलिट, इसका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा, और नेचुरल हजार्ड और डिजास्टर का क्विक मॉनिटरिंग करना। और इस सीरीज में हम लोग टोटल 2 सेटेलाइट भेजेंगे, और ये जो पहला वाला है उसको हम लोग GISAT-1 बोल रहे हैं। ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी स्पेस क्राफ्ट है, और इसको हम लोग किसमें डालेंगे, सन सिंक्रोनस में नहीं डालेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 36,000 किलोमीटर पर डालेंगे। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मैंने आपको क्या बताई थी, इक्वेटर के पैरेलल 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको डालेंगे। अब चले आइए एक्सपोसैट पे। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म है एक्स रे पोलारीमीटर सेटेलाइट। ये एक डेडिकेटेड मिशन है पोलराइजेशन को स्टडी करने के लिए। यह स्टडी करेगा न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा, रेमनेंट्स, पल्सार्स जो होते हैं, और रीजन्स अराउंड ब्लैक होल्स, इन सारे चीज़ों की स्टडी करेगा। तो ओवरऑल ये इनके पोलराइजेशन को स्टडी करेगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया एक्स रे पोलारीमीटर सेटेलाइट। जो एक्स रे पोलारीमीटर सेटेलाइट है, जो स्पेस क्राफ्ट जाएगा इसके लिए, उसमें हम लोग पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स रे पॉलिक्स पेलोड डालेंगे, और ये स्टडी करेगा पोलराइजेशन ऑफ ब्राइट एक्सरेज इन द
ब्राइट एक्सरे सोर्सेज इन द एनर्जी रेंज 5 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और उसके डिग्री और एंगल को स्टडी करेगा। मतलब आप देख लीजिए, सीधे सीधे एक्सरे पोलारीमीटर सेटेलाइट का ये काम है कि पोलराइजेशन को स्टडी करना है। उस पोलराइजेशन के स्टडी करने के लिए वो न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा, रेमनेंट्स, पल्सार्स और रीजन्स अराउंड जो ब्लैक होल्स हैं उनके जो आती हैं हमारे पास रेडिएशन, उसको स्टडी करेगा। इसमें यह स्टडी कर इसके जो पेलोड होगा वो होगा पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे पेलोड, जिसको हम लोग पॉलिक्स भी बोल सकते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 5 साल की होगी और इसको प्लेस किया जाएगा 500 to 700 किलोमीटर, मतलब कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में। दो अदर हमारे प्लानिटरी मिशन भी चल रहे हैं। हमने तो अभी तक चंद्रयान भेजा है, मंगलयान भेजा था, अब हम शुक्रयान की बात करें। देखिए, शुक्र होता है वीनस का हिंदी, सॉरी। तो शुक्रयान 1 जो हमारा मिशन जाएगा वो एक ऑर्बिटर मिशन है। हमें शुक्र पे मतलब वीनस पे लैंडिंग वैंडिंग नहीं करनी है, कैसे करोगे? तो ये ऑर्बिटर मिशन है जो कि वीनस का जो है सरफेस और एटमोसफेयर की स्टडी करेगा। दूसरा मंगलयान 1 तो हमने भेजा था, मंगलयान 2 जो है इंडिया का सेकेंड इंटर प्लानिटरी मिशन होगा और लॉन्च के लिए, ये मार्स के लिए, ये भी जो है हमारी प्लानिंग चल रही है। नाउ कमिंग टू द निसार, निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। सिंथेटिक अपर्चर रडार तो इंडिया ने भी डेवलप कर लिया है, पहले इसराइल की मदद से की थी। जो नासा और इसरो का एक ज्वाइंट वेंचर है, हमने डेवलप किया है एक रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इट इज़ द फर्स्ट डुअल बैंड रडार इमेजिंग सेटेलाइट। इसमें डुअल बैंड है रडार इमेजिंग सेटेलाइट, ये फर्स्ट है जिसमें कि डुअल बैंड है। इसमें डुअल फ्रिक्वेंसी जो यूज़ की जा रही है, एल बैंड यूज़ की जा रही है और एस बैंड यूज़ की जा रही है रडार के मिशन में। और ये अर्थ को जो है एवरी 12 डेज दो डायरेक्शन में ये इमेजिंग कर लेगा, क्योंकि इसमें एल बैंड भी है, एस बैंड भी है। निसार जो है आपको प्रोवाइड करेगा एक हाईली स्पेशल एंड टेम्पोरली, टेम्पोरली मतलब क्या होता है टाइम, स्पेशल मतलब क्या होता है डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस में आपको कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस की इमेजिंग देगा। आपको इससे पता चलेगा कि इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस कितना हो रहा है, आइस शीट कोलैप्स हो रही है क्या, नेचुरल हजार्ड के बारे में भी पता चलेगा, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनोज, लैंडस्लाइड सब पता चलेगी। यहाँ पे अब डिस्कशन आ गया एल बैंड और एस बैंड का, तो आपको बताना पड़ेगा कि एल बैंड और एस बैंड होते क्या हैं। देखिए, तो मैं आपको इंटरनेट से कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मैंने छांटा हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। एल बैंड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 to 2 गीगाहर्ट्ज़, और जो एस बैंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2 to 4 गीगाहर्ट्ज़। अगर आपकी जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बैंड की, तो आपको जो एक्सेस मिलेगा वाइडर बैंडविड्थ का। लेकिन एक ये प्रॉब्लम है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रेन फेड होता है, जब बारिश होती है तो आपके सिग्नल जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि जो GPS वगैरह है तो वो क्या यूज़ करता है, वो एल बैंड को यूज़ करता है। लेकिन हमारा जो IRNSS है वो क्या यूज़ करेगा, हमारा वो एस बैंड को भी यूज़ करेगा और L5 बैंड को भी यूज़ करेगा। हमारी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे ये सरकार जी, एल एंड एस बैंड आर यूज मोर इन मोबाइल सेटेलाइट सर्विसेज। GPS जो है US का वो L1, L2, L5, L बैंड में यूज़ करता है, और IRNS जो है जो कि नाविक बन गया वो क्या यूज़ करेगा, L5 और एस बैंड को यूज़ करेगा। रीजन ऑलरेडी आपको बता दिए गए, उन्होंने क्या बताया कि L5 एंड S बैंड्स के लिए आपको कोई पॉइंटेड उस डायरेक्शन में एंटीना नहीं चाहिए होगी, तो इसीलिए नाविक बड़ा अच्छा काम करेगा, क्योंकि L5 और S बैंड से काम कर रहा है, कोई एंटीना की जरूरत नहीं उस पॉइंटेड डायरेक्शन में, मोबाइल में रिसीव करो। लेकिन अगर आज आप DTH वगैरह की बात करते हो, डायरेक्ट टू होम, तो आपने देखा होगा कि उसके जो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आपको पॉइंट करना पड़ता है एंटीना। तो TV सिग्नल्स क्योंकि वो आते हैं कि इसमें कू और का बैंड में आते हैं, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, कू और का बैंड में आपको क्या होता है कि ह्यूज ट्रांसमिशन रेट्स हैव टू बी सपोर्टेड बट द नीड ऑफ द एंटीनास टू बी पॉइंटेड टू द सेटेलाइट, आपको उस डायरेक्शन में पॉइंट करना पड़ता है। इसीलिए जो सेटेलाइट के आपने देखते हैं डिश एंटीना वगैरह देखते हो, आप जियो स्टेशनरी सेटेलाइट से लेते हैं, वो रिसीव करते हैं सिग्नल और उसको उसी डायरेक्शन में आपको पॉइंट करना पड़ता है। ये देखिए एल और एस बैंड का काम क्या है, ये इतना लो फ्रिक्वेंसी का होते हैं कि इनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, तो वेवलेंथ बड़ी होगी तो इनका जो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन होगा, आप जो AM रेडियो वर्क जो आपने देखा होगा, FM AM रेडियो वर्क जो होता है, तो इसीलिए उसमें जो AM रेडियो होता है उसकी बहुत लॉन्ग रेंज तक जाती है, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी एल और एस बैंड में होती है और वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है। तो आप समझ गए कि निसार जो है उसमें डुअल फ्रिक्वेंसी का सिस्टम है, बैंड एल बैंड और एस बैंड दोनों है, और आपको 12 दिन में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मैप की, अर्थ की दोनों डायरेक्शन से। देखिए अब नैनो सेटेलाइट का ज़माना है, तो इसरो चाहती है कि सारी कंट्री जो है नैनो सेटेलाइट में आगे बढ़ें और हमें मौका दें उसको लॉन्च करने का। तो एक प्रोग्राम आया है उन्नति, उन्नति का फुल फॉर्म है यूनी स्पेस नैनो सेटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यूनी स्पेस नैनो सेटेलाइट असेंबली ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम तो ईजी वर्ड था, लेकिन ये यूनी स्पेस क्यों डाला है कि ये जो इसरो ने लॉन्च किया है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम उन्नति, वो उन्होंने लॉन्च किया है नैनो सेटेलाइट के डेवलपमेंट के लिए, और उन्नति नाम दिया इसलिए किया है उन्नति में, यूनी स्पेस इसलिए किया है क्योंकि जो ओकेजन था जिस पे इसरो ने ये लॉन्च किया था वो ओकेजन था 50th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस। फर्स्ट जो यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस के लिए, उसका नाम दिया गया था यूनी स्पेस। आप इसका फुल फॉर्म देखो ना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस, स्पेस है ना, तो उसको प्लस 50 साल हो गए, इसी मौके पे इसरो ने उन्नति लॉन्च किया है।
तो ये क्या करेगा, जो पार्टिसिपेटिंग और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको नैनो सैटेलाइट बनाने के लिए, असेंबली करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, टेस्टिंग के लिए इसरो जो है उनको अपॉर्चुनिटी देगा और ट्रेनिंग देगा। देन कम्स स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स, एसटीसी। इसरो हैज सेटअप 5 स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स। एट कहाँ कहाँ सेट किया, इसरो ने 5 स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स बनाए हैं अपने स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। ये बनाए इन्होंने आईआईटी बॉम्बे में, कानपुर में, खड़गपुर में एंड मद्रास में, और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर में। सारे मतलब चुन के आईआईटीज में 4 बनाए और एक आईआईएससी में बनाया। और एक हो गया ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम होगा जिसमें कि इनके साथ सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी पुणे होगी। और कैरी क्या करेंगे, ये टू कैरी आउट रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द एरियाज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। तो आपको ये जानने की जरूरत है स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स जो हैं 5 जगह बनाए हैं इसरो ने, 4 आईआईटीज में और एक आईआईएससी में। आईआईटी दिल्ली इज ऑल्सो गोइंग टू सेटअप एसटीसी इन कोलाबोरेशन विद इसरो। अब इसमें आईआईटी दिल्ली नहीं है, आगे जाके कोलाबोरेशन में आईआईटी दिल्ली भी डेवलप करेगा तो वो छठा हो जाएगा। इसरो डिजायर्स डेवलपमेंट ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी इन कोलाबोरेशन विद आईआईटीज। आईआईटीज के साथ मिलकर, यंग लोगों के साथ मिलकर वो हाई एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी स्पेस साइंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस एप्लीकेशन में। इसरो वुड फंड द आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट। इसरो को लगेगा कि ये बच्चे अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आए तो उनको फंड कर देगी और इस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स जो है अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग नासा की शुरुआत करेंगे और नासा के कुछ स्पेस मिशन देखेंगे। इस वीडियो को मैं 30 मिनट पर रखना चाहूंगा, तो प्लीज आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा कंटेंट देखते रहिए। प्लीज टेक केयर, स्टडी अलॉट। बाय बाय।